नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुल्लू ब्लॉगर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है मैं बन पंचायत में गोलीवड़ गांव में रहता हूँ, और हमारे गांव में जो है दोस्तों आज तक किसी भी पेस्टिसाइड, जो दवाइयाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, जो दवाइयाँ हम किसान जो है खेतों में यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारे खेतों में बीमारी लगती है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी है, तो उनके लिए हमें कुल्लू जाना पड़ता था, बुंदर जाना पड़ता था। मैंने सोचा, जैसे ही हमने पीछे भी आपको एक ब्लॉग दिखाया था कृषि उपकरणों का जो हमारे गांव में निकला है, और उसी के साथ ही अब हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली है कि हमारे यहाँ पर दवाइयों का स्टोर निकला हुआ है, अलीशा एग्रो स्टोर, जिसकी ओपनिंग दोस्तों कल होने वाली है, और जिस जो इनके ऑनर हैं वो मेरे बड़े भाई भी है, तो मैंने सोचा बिल्कुल दिखाना चाहिए अपने ब्लॉग में। भाई बिकू भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। भाई हमारे जो दर्शक है ना, छोटी सी फैमिली हमारी कुल्लू ब्लॉगर की, और आपको पता ही है सभी किसानों किसानी मतलब खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं जितने भी हमारे किसान हैं। आप मतलब कि आपको क्यों ऐसा ख्याल आया कि यहाँ पर ऐसी निकालनी चाहिए मतलब दुकान हमें? नहीं, पहले तो हमारे कुल्लू ब्लॉगर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मैं बहुत आभारी हूँ मेरे छोटे भाई का, जो ये मेरे एक छोटी जैसी शॉप जो मैंने अपने गाँव में निकाली है, इसके लिए आए कि भाई इसका प्रचार हो, प्रसार हो। तो सबसे पहले बात ये रही कि मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था, जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम घर में रहे, तो फिर कई बार ऐसी दिक्कतें आई कि लोगों को ऑप्शन नहीं है, जैसे बाजार में जा रहे हैं दवाइयाँ क्या ले रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, अपनी मर्जी से देते हैं लोग। दूसरी बात यह है, जैसे किसान है वो आज दिन है, साफ है मौसम, तो आज सोच रहा है कि स्प्रे करूँ, लेकिन वो स्प्रे के लिए उसको भूंतर जाना पड़ता है या कुल्लू जाना पड़ता है, वो उससे उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, ऊपर से फिर मनी वेस्ट भी है। अब दूसरे दिन बारिश हो जाती है, तो इसलिए जो आज बीमारियां लग रही है हमारे खेतों में वो कल नहीं रुकेगी ना, कल वो बढ़ी रही है, तो इसलिए जो आज स्प्रे का शेड्यूल है वो आज ही होना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आए क्यों ना अपने गांव में एक छोटी जैसी दवाइयों की शॉप निकालूं, बिल्कुल, जिससे हम मैं अपने गांव वासियों को इस चीज की फैसिलिटी दूं, और अच्छी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होगा बेटर से बेटर अपने गांव वासियों को दूं, ताकि वो कम से कम स्प्रे करें, जो भी स्प्रे हो बिल्कुल तो बीमारियों के हिसाब से ही हो। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से मतलब कि बिकू भाई ने, जो मतलब कि बिकू भाई ने एक सोचा दिमाग में कि यहाँ पर सबको फैसिलिटी मिले। मेरे हिसाब से तो दोस्तों मतलब कि हम सभी के लिए, जितने भी बल पंचायत के एरिया में लोग आते हैं, और पानवाला के रूट में ये पड़ता है, बिल्कुल सड़क के साथ टच है अलीशा एग्रो स्टोर, हम सब के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, कई बार हम ऐसा होता था मतलब गाँव का मॉल है, और यहाँ से कुल्लू भी 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, और बुंतर भी दूर पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि हम चाहते हैं कि हम संडे के दिन कभी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन स्प्रे करें, पर अगर कुल्लू जाएंगे तो मार्केट बंद रहेगी, यहाँ पर अपने गांव में ऐसी फैसिलिटी है, तो फिर हम बिकू भाई को घर से बोल कर भी दवाई आप खरीद सकते हैं। पर मेरे हिसाब से 70% लोग जो है किसान मतलब फार्मर का काम करते हैं, किसानी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, और इससे खुशी की बात दोस्तों और कुछ भी नहीं हो सकती है। और कल शुभारंभ होगा यहाँ पर, बसंत है ना भाई, बिल्कुल बसंत के दिन यहाँ पर शुभारंभ होगा, ओपनिंग होगी यहाँ की, और यहाँ के बिल्कुल जयंत सिंह जी को हमने यहाँ पे सादर आमंत्रित किया गया है ओपनिंग के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी 11 बजे कल आए, और भाई जो अलीशा एग्रो स्टोर में सेवा का मौका दे। बिल्कुल भाई, और दोस्तों कल की ओपनिंग देखने के लिए कुल्लू ब्लॉगर के साथ जुड़े रहे, और बस दोस्तों ये सिर्फ हमारे पंचायत के लिए, हमारे अपने जितने भी हमारे नजदीकी किसान है उनके लिए हम ये ब्लॉग बना रहे दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं विराम, बाकी जुड़े रहे कुल्लू ब्लॉगर के साथ, किसी ब्लॉग में हम कल का जो ओपनिंग का है वो भी इसी में दिखाएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
आज बल फाटी के लोगों के लिए, बारार के लोगों के लिए, खड़िहार के लिए, पूरी मराठा कोठी के लिए खुशी का विषय है कि आज बसंत ऋतु का आगमन भी है। इसी के साथ साथ गांव कोलीबेड़ में दवाइयों की दुकान निकली है अलीशा एग्रो स्टोर, जो कि अपने विवेक जी इसको चला रहे, संचालन कर रहे हैं। और मैं अलीशा स्टोर को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हमें अब दवाइयों के लिए शहर में जाना पड़ेगा, हमारा कीमती समय जो बच जाएगा। जो ये दवाई है ये बहुत ही उत्तम किस्म की है, टाटा कंपनी की दवाइयाँ हैं, और इनके साथ जुड़े हुए हमारे सुरेश जी, जो कि पहले टीचर रह चुके हैं इस टाटा कंपनी में, बहुत 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। तो मेरी सबसे आग्रह है कि इस टाटा कंपनी दवाई का इस्तेमाल करें और अपना समय बचाए और कोलीबेड़ में आए और अपनी सेवा, इनको सेवा का मौका दे। तो दोस्तों, आज जो है शॉप की ओपनिंग हो चुकी है, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और खुशी की बात यह है कि कुछ एक किसान आज दवाइयाँ खरीदने भी पहुंचे हुए हैं। हमारे मामा जी है और बड़े भाई है, जो कि यही साथ में लगता गांव से है, दमसेड़ गांव से। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपको यहां पर जो शॉप निकली हुई है ये दवाइयों की, तो इससे आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? मतलब कि भाई, हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ हम नजदीक से हैं। बिल्कुल भाई, नजदीक तो हम बिल्कुल नियर जो पड़ता हमारे को। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से हमारे को ये फैसिलिटी है कि मतलब पहले हम बाजार जाते थे जी, बिल्कुल। तो हमारे को या तो फिर गाड़ी करनी पड़ती थी, गाड़ी का फिर किराया फलाना डिमका जोड़ के। बिल्कुल जी, हमारे को बहुत ही मतलब एक दवाई लेने के लिए हमारे को कम से कम 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्चना पड़ता था। हमारा टाइम बच रहा है आने जाने से, गाड़ी का किराया बच रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी जाना है, खाद दवाई बीज भैया उपलब्ध होंगे तो हम बहुत खुश हैं इससे जी। बिल्कुल, दुकान बहुत अच्छे ढंग से चले। और जी जी बिल्कुल, किसान भाइयों का सच में ही दोस्तों फायदा है इसका बहुत ज़्यादा। और बिकू भाई जो है, तो ये भी मतलब कि हमारे किसानों को लोकल है, बिल्कुल अपने तरीके से समझा सकते हैं कि दवाइयों का रेशो किस तरह डालना है और किस दवाई को कितना यूज करना है, जिससे कि हमारे जो क्रॉपें लगी हुई है खेतों में, ज़्यादातर यहाँ पर टमाटर लहसुन जो है इसकी खेती होती है, तो ताकि फसल को भी नुकसान ना हो। कई बार हम बाजारों से दवाइयाँ खरीद के लाते हैं तो अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती वहाँ पर, तो फिर कई बार खेतों में जो नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक और किसान पहुंच चुके हैं आज ओपनिंग के दिन ही। तो अंकल जी, आपको बताइए, यहाँ पर जो शॉप निकली हुई आज ओपनिंग है, तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके नजदीक बिल्कुल दवाइयों का स्टोर निकला हुआ है? देखो, हमारे को इसमें फायदा ही फायदा जी। बिल्कुल, एक तो ये है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, हम लोगों के पास दुकान है जी, या फिर कुल जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर दवाई मिल रही है, हमारे को ये फायदा है जी। बिल्कुल, तो हर सुविधा है, हम तो सुविधा चाहते हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, अंकल जी का तो खेत भी साथ में ही लगता है यहाँ पर, जी जी। तो दोस्तों, यहाँ के नजदीकी किसानों के लिए मतलब इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, ये सबके लिए फायदे की बात है जी जी। हम तो बहुत खुश है।